इस साल दिल्ली वालों को ट्यूलिप गार्डन देखने के लिए कश्मीर या फिर विदेश जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार राजधानी को फूलों का शहर बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। दरअसल राजधानी में ट्यूलिप फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। जी हाँ, देखिए इस फेस्टिवल में आपको रंग बिरंगे सुंदर ट्यूलिप देखने के लिए मिलने वाले हैं। दिल्ली में कहाँ लगेगा ट्यूलिप फेस्टिवल, इसमें क्या खास होने वाला है, ये जानने के लिए हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ ने एनडीएमसी के वाइस चेयरपर्सन सतीश उपाध्याय से खास बातचीत की है। राजधानी दिल्ली में ट्यूलिप फेस्टिवल की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। एनडीएमसी ने 3 लाख से ज्यादा ट्यूलिप बल्ब नीदरलैंड से मंगाए हैं मुंबई के रास्ते, जिन्हें राजधानी दिल्ली में पहले क्वारंटाइन किया गया और अब चाणक्यपुरी इलाके में इन ट्यूलिप बल्ब्स को लगाया जा रहा है। कोशिश है कि राजधानी दिल्ली को फूलों का शहर बनाया जाए। ट्यूलिप फेस्टिवल जो जापान कश्मीर में होता है वो राजधानी दिल्ली में आके पर्यटक देख सके। इस समय हम चाणक्यपुरी के इलाके में मौजूद है, जहां पे 1.5 लाख से ज्यादा ट्यूलिप बल्ब्स लगाए जा रहे हैं। कब होगा ट्यूलिप फेस्टिवल और अभी कितने ट्यूलिप बल्ब्स लगाए जा रहे हैं? देखिए, ये ट्यूलिप फेस्टिवल हम देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, क्योंकि देश अमृत काल में है और दिल्ली किस तरह से खूबसूरत बने, G20 में भी हमने बहुत शानदार तरीके से दिल्ली को सजाया था और हम चाहते हैं कि दिल्ली हमेशा इसी तरह से एनडीएमसी एरिया पूरी तरह बनता रहे। पिछले बार हमने 1,20,000 के आसपास ट्यूलिप दिल्ली में लगाए थे और ट्यूलिप फेस्टिवल भी किया था, लेकिन इस बार हम 2 लाख ट्यूलिप बल्ब लगा रहे हैं। आप देखेंगे ये जो पूरा शांति पथ है, ये लगभग 1.5 किलोमीटर का एरिया है और इस 1.5 किलोमीटर के एरिया में हर 15 मीटर के डिस्टेंस में डिफरेंट डिफरेंट कलर के ट्यूलिप्स को यहाँ पर हमारे एनडीएमसी के माली लगा रहे हैं। इसमें रेड कलर भी है, इसमें पिंक कलर भी है, इसमें व्हाइट कलर भी है, इसमें येलो भी है, इसमें पर्पल कलर भी है, इसमें पिंक एंड व्हाइट भी है, पिंक एंड ऑरेंज भी है। तो लगातार ये पूरे इस एरिया में लगेगा, तो आज से इसको लगाना शुरू किया है और दिल्ली के जितने भी राउंड अबाउट्स हैं वहां पर भी ये ट्यूलिप लगेगा। लास्ट ईयर हमने ट्यूलिप फेस्टिवल किया था और इस बार भी इसी शांति पथ पर हम ट्यूलिप फेस्टिवल करेंगे और चूंकि ये पूरा एम्बेसी एरिया है, विदेशी दूतावास भी यहाँ पर है, सभी राजनयिक भी यहाँ पर आते हैं और दिल्ली के लोग टूरिज्म के लिए इस ट्यूलिप को देखने के लिए जो नीदरलैंड और हॉलैंड जाते थे उनको दिल्ली में ही वो सारा फील मिल सकता है। राजधानी दिल्ली में फरवरी के समय ये ट्यूलिप महोत्सव मनाया जाएगा। पिछले साल भी ट्यूलिप महोत्सव मनाया गया जो काफी सक्सेसफुल रहा और अब इंतजार है इस बार फरवरी का, जिस बार ये चाणक्यपुरी का पूरा इलाका रंग बिरंगे ट्यूलिप के पौधों से लहराएगा। कैमरा पर्सन मृदुल के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे।